तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाएगा और इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां, एक दिन पहले ही बीसीसीआई ने भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और बड़ी बात यह है कि टी नटराजन नहीं बल्कि नवदीप सैनी करेंगे टेस्ट डेब्यू। नवदीप सैनी को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला है और वो सिडनी में अपना पहला मैच खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले लगातार खबरें ये आ रही थी कि टी नटराजन को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलेगा क्योंकि सिडनी के मैदान पर उन्होंने हाल ही में लिमिटेड ओवर सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा नटराजन के पास प्लस पॉइंट ये भी था कि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं तो ज्यादा झुकाव उन्हीं की तरफ था, पर ऐसा हुआ नहीं। नवदीप सैनी बीच में आकर बाजी मार ले गए। इसके अलावा सलामी बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव हुआ है। मयंक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मयंक अग्रवाल को खराब फॉर्म के चलते बाहर किया गया है जबकि रोहित शर्मा का आना तो तय था। ताजुब बात यह है कि कुछ महीने पहले मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा टेस्ट के स्थायी ओपनर बल्लेबाज थे और अब मयंक पर ही टीम मैनेजमेंट को भरोसा नहीं। खैर, आइए एक नजर डालते हैं सिडनी टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर। बतौर ओपनर खेलने के लिए जाएंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अब बता दें, रोहित शर्मा को उपकप्तान भी बनाया गया है। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा जबकि चौथे नंबर पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पांचवें नंबर पर हनुमा विहारी और इसके बाद ऋषभ पंत, फिर रविंद्र जडेजा और इसके बाद आर अश्विन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के अलावा नवदीप सैनी डेब्यू करते हुए नजर आएंगे।